स्नेहलता आइडियाज। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहलता आइडियाज। आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए कैप बनाना बताऊंगी। इस तरह से आप साइज बड़ा करके आप खुद के लिए भी कैप बना सकती हैं। इस तरह के कैप में हमें कहीं भी कोई सिलाई नजर नहीं आती है। इस तरह का कैप मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें हमारी जो भी मेजरमेंट है उसे हमें पेपर पे ड्रॉ करके कट करना है, फिर उसे कपड़े पे कट करना है। तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि इसे किस तरह से ड्रॉ करना है, फिर उसे हम कपड़े पे कट करेंगे। 6 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और इसकी लंबाई हम 7.5 इंच ले लेंगे। तो यहाँ से हम इस 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 6 इंच रखा है और इसकी लंबाई हम 7.5 इंच रखे हैं। अब हम इसे सेंटर से इस तरह से इक्वल करके हमें इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और इधर से भी हमारा 3 इंच ये रहा। इसे हम हाफ हाफ फोल्ड करेंगे तो इधर से हमारी चौड़ाई 3 इंच ही बचेगी और यहाँ से हम लंबाई के साइड से भी हम 3 इंच लेंगे। फिर हम इसे इस तरह से राउंड शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए हमें इसे राउंड शेप देना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 इंच पे हम इसे मिला देंगे। देखिए ये कितना इजी है, ये हमारा ड्रॉ रेडी हो चुका है। अब हमने इसे जिस तरह से निशान लगाया उस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पैटर्न रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे कपड़े पे रख के कट कर लेते हैं। कि इस तरह के कपड़े में मैं ये कैप रेडी करूँगी। ये देखिए, ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है। अगर आप कॉटन में बना रही हो तो आपको मेजरमेंट हल्का बड़ा लेना होगा। तो चलिए अब मैं इसे बताती हूँ कि इसे कपड़े पे किस तरह से रख के कट करना है। देखिए, ये मैंने कपड़ा ले लिया है, ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। अब हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से सेट कर लेना है ताकि हमारा सारा कपड़ा इक्वल रहे। ये जो हमारा बन साइड है उस पर हम इस तरह जो हमने कट किया है उसे इस तरह से इसके ऊपर रखना है। इसे ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा साइड है इसे हमें बन साइड की तरफ से रखना है। देखिए, इस तरह से मैंने इसे पिनअप कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसके सेंटर पार्ट में यूँ इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम लगभग 1.5 इंच तक का कट लगाएंगे। इस तरह से मैंने इसे कट लगा दिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। उसके बाद जो हमने ये कट लगाया है उसे हम यूँ इस तरह से अंदर की तरफ, ये हमारा राइट साइड है, रॉन्ग साइड की तरफ से यूँ इस तरह से करते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से हमें इसे इस तरह से कर लेना है। यूँ इस तरह से करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने चारों साइड से सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे यूँ इस तरह से राइट साइड से टर्न करेंगे। दोनों राइट साइड हमारा अंदर रहेगा। रस रखते हुए ये जो हमने सिलाई लगाया है उसे इक्वल में रखना है और पिनअप कर लेना है। इस तरह से हमने दोनों साइड से पिनअप कर लिया है। अब हम इस यहाँ से यूँ इस तरह से लेते हुए पूरा यहाँ से पूरा एकदम सिलाई लगा लेना है यहाँ तक, और हल्का सा हम 2 इंच गैप छोड़ेंगे इसे टर्न करने के लिए। तो चलिए मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें सारे में सिलाई लगा लिया है और यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है इसे टर्न करने के लिए। अब हम इसे यूँ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके डालेंगे और फिर यहाँ पे सेंटर में यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके सेंटर से सिलाई लगा लिया है। अब हम ये जो स्पेस छोड़े हैं यहाँ पर इसे हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है और ये जो हमारा ओपन साइड है इस यहाँ पर हम इसे बंद करके सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमारी कहीं से भी सिलाई दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह से ये देखिए दोनों साइड से हमने इसे टर्न करके दिखाया है आपको, इसे आप दोनों साइड से बना सकती हैं। इस तरह से न्यू बॉर्न बेबी के लिए कैप बनके बिल्कुल रेडी है। इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए इस तरह का टेडी है ये मेरे पास, ये मैं इस तरह से इसके ऊपर चिपका दूंगी। इस तरह से ये लगाने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।